स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूब। तो हालांकि मैं यहां आपको बताऊंगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है और पैकिंग एफिशिएंसी बताऊंगा, और पैकिंग एफिशिएंसी किसका बताऊंगा, सिंपल क्यूब का। ऐसे यहां मैंने उसका फिगर ड्रॉ कर रखा है, आप देख सकते हैं। तो पहले पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है ये आसानी से एकदम जान लो कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, एक रेशियो है। पैकिंग फ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो, आपको यह ध्यान देना है, पैकिंग फ्रैक्शन रेशियो है एक सिंपल क्यूब में, या किसी क्यूब में बोल दो, सिंपल क्यूब में प्रेजेंट जो एटम कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनका जो वॉल्यूम और इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम का रेशियो जो कहलाता है पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन के लिए अगर आपको कोई पूछे कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, आप बताएंगे कि ये रेशियो होता है पैकिंग फ्रैक्शन किसका किसका, क्यूब में प्रेजेंट सारे पार्टिकल्स का वॉल्यूम और क्यूब के वॉल्यूम का रेशियो होता है पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर। अब बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, मैंने लिखा पैकिंग फ्रैक्शन, अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, केवल 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पैकिंग एफिशिएंसी में। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। अब पैकिंग एफिशिएंसी की ही बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी क्या है कि हम ये अगर आप बोलना चाहो तो ये एक परसेंट में देता है वैल्यू। ये पैकिंग एफिशिएंसी किसी क्यूब में एटम्स और पार्टिकल्स का कितना वॉल्यूम है वो परसेंट में देता है। तो यहां हम आपको सिंपल क्यूब में निकालकर दिखाएंगे आपको किस प्रकार से पैकिंग एफिशिएंसी आती है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट फॉर सिंपल क्यूब। ओके, सिंपल क्यूब की बारी है। देखो सिंपल क्यूब के लिए अगर हम बात करें तो हम मान लें, अगर यहां ध्यान दिया जाए, ये हर कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है, एक एटम अगर स्फेरिकल है तो ये एक जो साइड है, ये साइड देखा जाए तो एक आर, और यहां पर देखा जाए तो यहां पर एक आर और है, दो रेडियस है, दो रेडियस होगा। और इसी को फर्दर अगर हम बढ़ा दें इस तरीके से, तो इसे हम साइड को हम किससे डिनोट कर सकते हैं, ए। तो रेडियस आर और साइड हम क्या मान सकते हैं, ए। तो लेट रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू आर, और साइड ऑफ क्यूब का साइड क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए है। ओके, तो अब ये पूरा वॉल्यूम स्फेरिकल है, लेकिन अब हमको ध्यान देना है कि स्फेरिकल बाहर नहीं है, तो हमको केवल क्यूब का निकालना है, क्यूब के अंदर कितने पार्टिकल्स पार्टिसिपेट किए हैं। तो आपको पता होगा कि सिंपल क्यूब जो होता है, सिंपल क्यूब उसमें हर कॉर्नर पर, ये जो कॉर्नर है 1/8 पार्ट पार्टिसिपेट करता है, एक स्फेरिकल का 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट करता है। तो 8 कॉर्नर है तो 1/8 पार्ट 8 कॉर्नर पर प्रोजेक्ट होंगे, तो कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आंसर आएगा यहां पर 1। ओके, 1 अर्थात 1 स्फेरिकल का, यहां पर 1 स्फेरिकल इस क्यूब में प्रेजेंट है। तो अब हम यहां पर निकालेंगे क्या वॉल्यूम, एक इस क्यूब में 1 एटम पार्टिसिपेट किया, याद रखिएगा। और अब हम निकालेंगे क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इस क्यूब में कितना एटम, 1 एटम, तो लिखेंगे 1 एटम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, स्फेरिकल है इसलिए 4/3 पाई आर क्यूब, और एक है, एक एटम है तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे और आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी में, ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स, एटम्स कितना है 1 है, तो 1 के द्वारा 4/3 पाई आर क्यूब जगह घेरा जाएगा। ओके, अब हम क्या निकालेंगे,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? तो एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ। तो a इंटू ए हो जाएगा, दैट इज ए क्यूब, इसको लिखा सकता है। और वन ए क्यूब जो है किसके बराबर है? एक a जो है दो r के बराबर है, टू r के बराबर है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसके जगह पर, और हम लिख सकते हैं 2r का क्यूब, और यहां पर फर्दर हम इसको लिख सकते हैं 3 times 8r क्यूब। क्लियर? तो यहां पर आप ध्यान दो, हमने यहां निकाला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आया है? तो 8r क्यूब है। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड एटम, वन एटम के द्वारा जो जगह घेरा गया है वो कितना आया है? आप यहां देख पा रहे हैं 4/3 πr³। और हमारा पैकिंग एफिशिएंसी क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब ये वैल्यू रखेंगे इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा क्या आप देखेंगे। अब देखिए हम निकालने जा रहे हैं क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन एटम कितना है? 4/3 πr³। तो लिखेंगे 4/3 πr³। क्लियर? और डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 8r³ हो जाएगा, 8r³। ओके, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 4/3 πr³ अगर आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 52.4%। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी जो आपकी आएगी कितनी आएगी? 52.4%। थोड़ा इसका सॉल्व करना होगा, ठीक है, इसको आप करके देख लेंगे, जरूर आएगा इतना। तो 52.4 आपका क्या आ जाएगा? पैकिंग एफिशिएंसी आएगा किसका? सिंपल क्यूब का। आप सिंपल क्यूब, आप इसको लिखा सकते हैं, सिंपल क्यूब का पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% में आएगा। सॉरी, यहां पर एक चीज छूट गया, क्या छूटा है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब ये आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तब ना आएगा ये पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी ये मल्टीप्लाई और आ जाएगा 52.4। तो हम यहां बता सकते हैं कि एक सिंपल क्यूब में जो एटम पार्टिकल्स होते हैं 52.4% अपना वॉल्यूम घेरा हुआ होता है। ओके, तो जो बचा हुआ वॉल्यूम होगा वो किसका होगा? तो हम बता सकते हैं जो इसमें रेस्ट वॉल्यूम होगा हम उसको वॉइड स्पेस के नाम से जानते हैं। क्या? वॉइड स्पेस। तो हम लिख सकते हैं वॉइड स्पेस, वॉइड स्पेस कितना बचेगा? तो 52.4 से जो बचा है आपका 47.6% जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका वॉइड स्पेस। क्लियर? तो मोस्टली ये दोनों वैल्यूज आपको दिमाग में बिल्कुल याद रखना है, सिंपल क्यूब के लिए पूछता है एग्जाम्स एंड कंपटीशंस में, कि सिंपल क्यूब का एफसीसी का बीसीसी का अभी मैं बताऊंगा, हालांकि यहां सिंपल क्यूब का बताया हूं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% एंड वॉइड स्पेस 47.6% होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।